नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी रविंद्र जडेजा, सी युवराज सिंह या डी रोहित शर्मा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया के सैदपुर में बोले अशोक चौधरी, हमने सड़क पुल पुलिया बिजली के माध्यम से प्रदेश की बदली है तस्वीर। नवगछिया के सैदपुर कन्या उच्च विद्यालय के मैदान में गोपालपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज जो गोपाल मंडल के समर्थन में सभा आयोजित हुई। सभा के मुख्य वक्ता जदयू के कार्यकारी प्रदेश सह प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी और जहानाबाद के सांसद चंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवंशी थे। सभा की अध्यक्षता गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी और मंच संचालन जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने किया। वहीं सभा में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, अजय कुशवाहा, वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पारसनाथ साहू सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं मौके पर हजारों की भीड़ उपस्थित थी। सशक्त और मजबूत करने का काम इस देश में किया है, उनको ताकत देने का काम करिए। बहुत से लोग आएंगे आपके बीच में और अपनी अपनी बात को कहेंगे, लेकिन उनको भी 15 साल तक आप लोगों ने इस प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया था। 3.3 का विकास दर था बिहार का, और आज 12.8 का विकास दर है इस प्रदेश में। माननीय नेता ने इस बिहार को, जो पिछड़ा बिहार था, जो इस देश में सबसे पीछे गति से चलने वाला बिहार था, उस बिहार को सबसे तेज गति से चलाने का काम किया है। और पूरी सामाजिक समरसता, प्यार, मिल्लत और भाईचारा के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह और अपील करने आए हैं, आज ये हम लोगों के उम्मीदवार हैं एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार हैं। और इन्होंने 15 वर्षों में निश्चित रूप से इस विधानसभा के विकास के लिए अहम भूमिका का निर्वहन किया है। चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, मूलभूत संरचनाओं का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, हर क्षेत्र में माननीय गोपाल जी ने विधानसभा के विकास के लिए काम किया है। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि यहाँ पर गोपाल जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, नीतीश जी के प्रतिनिधित्व के रूप में गोपाल जी खड़े हैं। गोपाल जी यहाँ से जीत के जाएंगे, नीतीश कुमार को ताकत मिलेगी, नीतीश कुमार की विचारधारा को ताकत मिलेगी, सामाजिक समरसता को ताकत मिलेगी, अति पिछड़ों को ताकत मिलेगी, महादलितों को ताकत मिलेगी, इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी महिलाओं की है उनको ताकत मिलेगी, युवाओं को ताकत मिलेगी। इसीलिए आने वाले 3 तारीख को गोपाल मंडल जी को 3 छाप पर बटन दबाकर विधानसभा पहुंचाने का हम आग्रह और निवेदन और अपील करते हैं, और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का आग्रह करते हैं। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। आज आप बताएंगे कल के चुनाव के बाद क्या है? कल के चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है। कल के चुनाव में पूरे प्रदेश ने विकास के लिए एनडीए को वोट किया है, और जो लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक नया नई बात कह रहे थे, उनको करारा झटका लगा है, और पहले फेज में पूरी तरह से मजबूत होकर एनडीए उभर कर निकल रही है। सर, युवा वर्ग जो है परेशान है, तो उस पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? के लिए 7 निश्चय 2 में निश्चित रूप से माननीय नेता ने कहा है कि युवा शक्ति को हम एड्रेस करेंगे, कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम उनको आने समय में उनके लाइवलीहुड को, उनके जीवन यापन के लिए कैसे व्यवस्थित हो, उस पर उन कहें कि हम काम करेंगे। विक्रमशिला सेतु से रंगरा तक दिन भर लगा रहा भीषण जाम, कई यात्री वाहन और कई एम्बुलेंस फंसे जाम में। गुरुवार को विक्रमशिला सेतु से लेकर रंगरा तक दिन भर जाम लगा रहा। जगतपुर गांव के पास विक्रमशिला सेतु पर एक ट्रक का गुल्ला टूट गया था, जिसके बाद कुछ ही देर बाद ही विक्रमशिला सेतु जाम के जद में आ गया, तो देखते ही देखते रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई। दोपहर बाद तक विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन वन वे कर दिया गया था, तो देर शाम तक नौगछिया और रंगरा क्षेत्र में आने जाने वाले NH 31 पर वाहन रेंग रहे थे। जाम के कारण रास्ते में कई एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल से प्रसूता को मायागंज ले जा रही
एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गया था। एम्बुलेंस चालक सज्जन कुमार ने बताया कि बड़ी मुश्किल से वे लगभग 4 घंटे में भागलपुर अस्पताल पहुंच पाए। इधर नवगछिया से भागलपुर जाने वाले ऑटो चालक जाह्नवी चौक पर ही यात्री को उतार कर नवगछिया लौट जा रहे थे, तो लंबी दूरी की बसें भी घंटों जाम में फंसी रही। वहीं देर रात परबता पुलिस और जाह्नवी चौक टीओपी पुलिस जाम की स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए थे। सेक्टर के पदाधिकारियों ने दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं का कराया मतदान। गोपालपुर विधानसभा के विभिन्न सेक्टर में सेक्टर के पदाधिकारी के नेतृत्व में दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान कराया गया। सेक्टर के पदाधिकारी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टी ने दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता का मतदान उनके घर पर जाकर पोस्टर वैलेट के माध्यम से कराया। शुक्रवार को भी सेक्टर के पदाधिकारी के द्वारा दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान कराएंगे। मालूम हो कि गोपालपुर विधानसभा में कुल 1056 दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं। नवगछिया में पान मसाला दुकान में लाखों की हुई चोरी। नवगछिया बाजार के दुर्गा स्थान रोड में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों द्वारा पान मसाला दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकान में हुई चोरी के संदर्भ में दुकानदार थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी राजकुमार चौरसिया ने थाने में आवेदन दिया है। दुकानदार राजकुमार चौरसिया ने बताया कि मेरी दुकान की गुमटी दुर्गा मंदिर रोड कुएं के पास है। बुधवार को रात्रि में करीब 10 बजे मैं अपना दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह 6 बजे मुझे बाजार से फोन आया कि आपके दुकान का ताला तोड़कर चोरी हो गई है। मैं अपने पुत्र के साथ तुरंत अपने दुकान पर आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। दुकान के सभी सामान बिखरे हुए हैं। दुकान से भारी मात्रा में सामान गायब है। उन्होंने बताया कि दुकान से लगभग नकदी सहित 1,00,000 रुपए के सामानों की चोरी हुई है। वहीं घटना के संदर्भ में नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। नवगछिया विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाजपा नेता उतरे लोजपा प्रत्याशी के समर्थन में। गुरुवार को लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत ने नगरा गांव में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले नगरा के वेंकटेश मंदिर में माथा टेका, फिर जनसंपर्क अभियान में निकले। इधर भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के नेता सह विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार भगत ने कहा कि यह वर्ष 2020 का है। नवगछिया में विकास की छटपटाहट है तो नवगछिया को जो समझे उसे ही चुने। यह चुनाव नवगछिया के आगामी दशकों की राजनीति की दशा दिशा को तय करेगा। 153 गोपालपुर विधानसभा राजपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, मतदाताओं का मिल रहा भरपूर प्यार। 153 गोपालपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर, गोपालपुर शहीदपुर और सहित कई गांवों में सघन जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर मतदाताओं से उन्होंने अपील की कि एक बार वे उन्हें देखें, वे विधायक बनने के बाद बहुत सारी तकलीफें दूर कर देंगे। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नवगछिया में चिराग पासवान का चुनावी सभा आज। लोजपा के गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेश भगत के पक्ष में शुक्रवार को चुनावी जनसभा को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संबोधित करेंगे। लोजपा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विवांशु मंडल ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे नवगछिया के रामधारी सिंह उच्च विद्यालय पकरा तेतरी में चुनावी सभा आयोजित होगी। 31 अक्टूबर को नवगछिया आएंगे नीतीश कुमार। जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा 31 अक्टूबर को दिन के 11 बजे साहू उच्च विद्यालय साहू पर्वता के मैदान में होगी, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। नवगछिया कदवा पहुंचे 90 अर्धसैनिक बल, कड़ी सुरक्षा के बीच कदवा व डोलबज्जा में होगी मतदान। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के 153 के डोलबज्जा व कदवा पहुंचे 90 अर्धसैनिक बल सबों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरपुर कदवा व डोलबज्जा थाने में शिफ्ट किया गया है। कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच कराने के लिए यहां 90 SSB जवानों को नवादा से कदवा भेजा गया है, जहां मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।